शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। छुप के बात करता है, तुम वो हो और तुम पहले दिन से यही करते आए हो कुनाल, पीठ पीछे छुप के बात करते हो तुम। अच्छा, पर मैं तो खुद चल के शेर की गुफा में आया। भाभी जी, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में घंटी बजाकर नहीं, रात के अंधेरे में छुप छुप कर आए हो बात करने तुम। पर ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि आप पे मिट्टी का तेल सामने से फेंकूं या पीछे से फेंकूं। बाप का घर भर चुका है। आप तो बस अपनी चिंता कीजिए भाभी जी, क्योंकि आपके साथ साथ मेरे खिलाफ सारे सबूत भी चल जाएंगे। और मेरे पापों का घड़ा तो सबके सामने था, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। अरे वो मैं ही तो था जो बब्बर शेर गैंग के नाम पे लोगों को लूट के मार रहा था, घर में घुस के बड़ी बहादुरी के साथ कीर्ति भाभी पे भी हमला मैंने ही किया था। गोली तो आप पे चलवानी थी। हाँ, वो ऑर्डर मैंने ही दिया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी ना जो तू बच गई। और अब हम इतने करीब जो आ ही गए हैं, राजदार हो ही गए हैं, तो एक बात और बताओ, सोनिया को भी मैंने ही मारा था। तो क्या करता, उसको भी आप वाली बीमारी थी ना, दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। और वो मेरे सारे राज जान गई थी तो मार दिया, जैसे कि अब तू मेरे सारे राज जान गई है ना। तो बता अब तेरे साथ क्या करें, श्रद्धा इतनी जल्दी रहे। अब जाते जाते एक आखिरी राज और बताऊं, चैन से जीत तो नहीं सकी तू, लेकिन चैन से मर जरूर पाएगी। तेरे पति पे वो हमला जिसमें उसका सर फूटा, जिसमें उसकी जिंदगी बर्बाद हुई और तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरे पति अभय त्रिपाठी का वो हार करने वाला ये कीदड़ ही था। वो गीदड़ जिसने शेर समझने वाले परिवार को उजाड़ के रख दिया,
आज तुझे लेने आ गए। तुझे अब मैं दिखाऊंगा जब श्रद्धा तुझे मैं जिंदा जलाऊंगा। कैसे हो सकता है? झूठ, तुम्हारा छल, धोखा, नफरत, गुनाह, इन सब पे पानी फिर गया है कुणाल। पीठ पीछे वार करने वाले अफसर ये नहीं देखते कि उनके सामने क्या है। इस मिट्टी के तेल के डब्बे में पानी दो। से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।